I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam Dubaido. Okay, अब उम्मीद की बैंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया जहाँ पे उम्मीद की डेली बड़ी वाली बैंड नहीं बज रही। पहले तो ऐसे वो हरकतें करती ही रहती थी जहाँ पे उसकी डेली बैंड बजती, खुद ही फिर गुस्सा भी होती है कि इतने क्यों सुनाया मेरे को। पहले उसकी हरकतें बहुत फनी होती है, खुद ही गुस्सा होगी सब उसका। बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि वापस फरजात में भी वो वाले रोल में जाके थोड़ा सा चिल्लाए कुछ। तो चिल्लाया जाता ही नहीं है। हाँ, वो उम्मीद को देखते ही पता नहीं क्या, उम्मीद जैसे ही मुंह उतार लेती है या गुस्सा हो जाती है तो फिर वापस बैक रोमियो बॉय बन जाता है एकदम फरजात। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे कैरेक्टर में लट्टू इंसान दिख रहा है कि लट्टू एकदम एकदम। अब वो बैठ जाएगा ऑफिस में मुझे लगता है, बताओ क्या महक के बाद तो उसको लेके चला जाएगा कि चल भाई तू चल ले। ओ गॉड, उम्मीद के लिए एक्साइटेड और वलीद के लिए भी एक्साइटेड उसके बैंड बजे। सो 13 पठान देखो जी, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं आपका वेट करते करते मैं अंडर वेट ना हो जाऊं। मैं उम्मीद के साथ बिजी थी। उम्मीद के साथ? देखो जी, सच में कभी कभी ना मुझे आप पे बहुत तरस आता है, बहुत बुरी तरह फंस गई आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उम्मीद वैसी नहीं है जैसा कि मैं समझ रही थी। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा बोल जाती है, लेकिन उसमें मक्कारी नहीं है, बल्कि उम्मीद बहुत इनोसेंट है, मासूम है। उम्मीद और इनोसेंट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जरा संभल के रहे, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। वलीद, उम्मीद मेरी बहू नहीं बेटी है, इसलिए उसके बारे में जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। देखो जी, ये क्या बात कर रही हैं आप, मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद ने आप पे भी ना कुछ पढ़ पढ़ के फूंक दिया। आप तो गई काम से, मेरा क्या होगा? जॉब तो तुम्हारी हो गई है, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं निगो जी आप? पूरी 5.5 मंगनियां टूट चुकी हैं मेरी और एक निकाह भी। 5.5? हाँ, वो भी एक की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है वो भी टूट जाएगा। वो क्यों? उम्मीद, उम्मीद की वजह से। आपको पता है पूरे मोहल्ले में मेरी इतनी बदनामी करवा दी है उसने, जहां जाता हूँ लोग कहते हैं ये लड़का निकाह वाले दिन लड़की से डर के भाग गया। अब आप ही बताएं, उम्मीद जैसी लड़की से कौन नहीं डरेगा? मेरे तो हाथों के तोते चिड़िया सब कुछ उड़ गए हैं। बस समझ में आ गई तुम्हारी बात। अगर तुम्हारी शादी मैं करवा दूं तो? अब जरा आसपास में कोई करीब में देखिएगा। तुम फिक्र मत करो, बल्कि यूं समझो हमारे घर की लड़की है। आपकी शादी में? एक्सक्यूज मी, कोई मंगनी, कोई बात पक्की, लव अफेयर? मुझे तो कोई एतराज नहीं है जी। अच्छा, बाकी डिटेल्स तुम्हें शाम को उम्मीद बता देगी, मुझे अभी कहीं जाना है। एंड प्लीज कैफे वक्त पे पहुंचना। यानी कि मैं उम्मीद का नंदोई बन जाऊंगा। मामा, फरजात के ऑफिस में इस वक्त? हाँ ना, मैंने उनके लिए चीजें ली हैं, मुझे उन्हें दिखानी है अभी। अच्छा ठीक है, ड्राइवर साहब फरजात के ऑफिस लेने हैं। अरे उसको सपोर्ट करेंगे, वो खुश हो जाएंगे हमें साथ देख के। तो मुझे कितने मजे के थे, ज्यादा ही खा लिए है ना, पेट फटता है। अच्छा, बट इट वाज अ गुड डे। आई मिस मैक बैठे। जी मिस मैक, बताएं। बस ठीक है, मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मिस उम्मीद मेरे घर आके मेरी इंसल्ट करे। वो पाशा साहब का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई। Thank you.
मिस मैक, आप रोना बंद करें और मुझे बताएं हुआ क्या है। मैं आप शायद भूल रही हूँ मेरी बीवी के बारे में बात कर रही, इसलिए वॉच इट। बट एनीवे मैं देखता हूँ इस बारे में क्या चक्कर है। I'll let you know. अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरी भाभी से कंफर्म कर सकते हैं। मिस महक, जहाँ तक मैं पाशा साहब को जानता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकते। भाभी भी उनके बारे में बिल्कुल यही बात कहती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं सुमित क्यों आई। Wait a second, आपकी भाभी पाशा साहब को कैसे जानती है? वो उनसे इंग्लिश सीखते हैं और वो उनके इंग्लिश की टीचर है। पाशा साहब इंग्लिश सीख रहे हैं? मामा, ये फरजाद के साथ मैं है ना उनकी गाड़ी में। हाँ। कहाँ जा रही हो बेबी? उस चलाकू मासी की क्लास लेने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रजात की गाड़ी में बैठने की, और वो भी फ्रंट सीट पर। उम्मीद, ये इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे मीटिंग से पहले। यू शुड ट्रस्ट प्रजात। प्रजात पर ट्रस्ट है मुझे, लेकिन इस मीसनी पर ट्रस्ट नहीं है। रहने दें क्या, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। कहाँ है आपका घर? गुलशन। घर जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये इसकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे कोई सीन नहीं मचा सकता। हाँ, लेकिन वो गाड़ी ये लो काट काट। उम्मीद, एक सेकंड बेबी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना भाई, ऐसे नहीं है। हाँ तो फिर वो वापस उसको ड्रॉप करने के लिए क्यों गए ऑफिस? तुम्हें कैसे पता? आपकी तरह ना मेरी भी जासूस है वहाँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम माँ जैसी हो गई हो या माँ तुम्हारी जैसी हो गई है। नहीं, इस बात पे मैं उम्मीद से अग्री करती हूँ भाई। हस्बैंड की लाइफ की छोटी मोटी डिटेल्स वाइफ को पता होनी चाहिए, और वो भी जब जब आपका हस्बैंड इतना हैंडसम और चार्मिंग हो और उसकी पीए की उस पर नजर। अच्छा उम्मीद, मैं फरजाद से कहती हूँ कि महक को किसी और डिपार्टमेंट में एलोकेट करते और अपने लिए एक मेल पीए रख ले। नहीं मामा, ऐसे तो वो फरजाद की नजरों में मजलूम बन जाएगी और मैं नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वलीद और महक की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ठीक है, वलीद तो तैयार है शादी के लिए। हाँ, लेकिन उसकी अम्मी। उसकी माँ का क्या इशू है? इशू हो भी तो सकता है। बताइए। अच्छा तुम जाओ, एंथनी से कहो कि मिले चाय ले। मुझे बहुत टेंशन से सर में दर्द हो रहा है। चलो तुम चाय को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्ट्रेस को एक्चुअली रिलीफ कैसे करते हैं। नहीं मामा, मैं आपको बता, मैं फरजाद से ना बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कितनी देर से बात समझाने की कोशिश करूँ कि भाई की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो बस सारी लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आई एम श्योर अगर उन्होंने महक को ड्रॉप किया तो उनके पास कोई रीज़न होगा। मम्मी तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पर मिस महक बैठी हो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? और मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं उनसे नाराज हो सकूं इस बात। अच्छा सुनो, फिलहाल के लिए बेस्ट ये होगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पे बात ना करो, चीजें बाद में खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे डिस्ट्रेस करते हैं। कमान कमान कमान, चाय पीने। अच्छा नहीं, चाय नहीं। एंथनी,